तो गाइस आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छा होंगे। तो गाइस अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए। इसी तरह आपको ब्लॉग मिलता रहेगा, जल्द से जल्द आपका भाई ब्लॉग बनाता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है भाई ना कि मैं कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ, और मैं जब भी ब्लॉग बनाता हूँ थोड़ा दिल में घबराहट आ जाती है जब कैमरा के सामने आता हूँ। आप लोग तो सब कुछ हो, आप लोग दुआ करिए हमें और मैं अच्छा से आप लोगों के सामने बोल सकूँ और आप लोगों के सामने कुछ कह सकूँ। तो भाई अभी तो मैं क्लास टेंथ में गया हूँ, 9th पास हो गया हूँ और क्लास टेंथ में मेरा पेपर आने वाला है। तो ब्लॉगिंग का भी काम होता है और शॉर्ट वीडियो का भी काम होता है, और इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए। आपका भाई दम ना छोड़े किसी चीज़ को पाने के लिए, बस जी जान से मेहनत करे, बस आप लोग का आशीर्वाद दीजिए। और मैं आप लोगों से कुछ मिलाने वाला हूँ। मेरी एक छोटी बहन है, उनका नाम है अंशिका, और मैं आपसे ज़रूर मिलवाऊंगा। तो वो मेरी छोटी सी बहन है और वीडियो में जो दिखती रहती है कभी कभी, मैं तो अपने वीडियो में तो नहीं लाता हूँ मोबाइल में, जैसे मैं अपना खुद का वीडियो बनाता हूँ सिर्फ अकेले दम पे। और जो भाई लोग रहते हैं मेरे सामने, जैसे कहते हैं कि मैं भी बनवाऊँगा, छोटे छोटे भाई लोग हैं और मैं उन्हीं के सहारा से कभी कभी वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो अपने दम पर। और मेरी एक छोटी बहन है और मैं उनका भी उनसे भी मिलवाऊँगा, तब तक अभी मिलवाने वाला हूँ। तब तक यार हमें सपोर्ट कर लीजिए जल्दी से जल्द, और मैं अभी मिलवाने वाला हूँ। ये यहाँ पर बैठी है, देखिए क्या कर रही है। मंटो तुम्हारा क्या नाम है बोलो? अंशिका। अंशिका कौन बिरादर हो बोलो? बनवासी। बनवासी। पापा का क्या नाम है? आनंद बनवासी। और मम्मी जी का बोलो? वसंती देवी। वसंती देवी। तो गाइस खड़ा हो, यहाँ बैठे रहो, ये मेरी छोटी बहन है। और देख लीजिए ये वीडियो में हमेशा शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को दिखता रहती है कभी कभी, मैं इनसे भी शूट करवाता हूँ जिम वम का। जैसे मैं जिम वम मारता हूँ, डंबल संबल उठाकर डंबल तरीका से मैं कुछ बनाया हूँ, उसी तरीका से मैं बना कर रखता हूँ भाई। और काफ़ी ज़्यादा हवा भी चल रही है, देख लीजिए आपका भाई का घर है इधर झोपड़ी का, यहाँ पर मेरी गाय है पीछे वहाँ पर, और आपका भाई। तो मंटू तुम तो कितनी क्लास में पढ़ते हो बोलो? शर्मा, देखिए जी शर्मा रही है, कैमरा के सामने ये भी आती है ना, इसकी भी सांस अटक जाती है कभी कभी, जब खुश रहती है तो बोलती है, नहीं तो नहीं बोल पाती है। और काफ़ी ज़्यादा हवा भी चल रही है। मंटू का तो पर्चे हो गया है, मिल लीजिए, और मिला भी दिए हैं। और मंटू भी हर शॉर्ट वीडियो में, मैं बॉडी बिल्डिंग का अगर वीडियो बनाता हूँ भाई लोग ना, तो ऐसे ऐसे लाइक मतलब मांगती है कि भाई आप लोग जल्दी जल्दी हमारे भाई को सपोर्ट करिए। कहती भी है लेकिन कह नहीं पाती है, बोलना नहीं चाहती है, शर्माती है, अभी छोटी है ना, धीरे धीरे सही हो जाएगी। आप लोग सपोर्ट करते रहिए आपके भाई के साथ, और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में इतना तक रहने दे। जितने भी मेरे भाई लोग हैं मेरी उम्र के, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेहनत करिए। देखिए भाई मैं तो हर बार यही कहूँगा और कहता भी रहूँगा कि आप लोग लड़की नहीं हो, बस आप लोग जान लो कि आप लोग लड़के हो तो मुझे ढेर सारी एक्सरसाइज करना है, ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है। कितने दिन भाई माता पिता के टुकड़े पर पले रहोगे बोलो? अरे बोलो ना, कितने दिन पले रहोगे? जिस दिन हो गए 17-18 साल के, उस दिन तुम्हारे माँ बाप भी ध्यान नहीं देंगे, कुरिया हो गया है, इसको कुछ करने ही नहीं आता है, बस बैठे बैठे खाता है, लखेत देंगे। तो इसीलिए कहता हूँ भाई अपने दम पर जिंदगी, कॉन्फिडेंस बनाइए अपने दम पर। तो इस वीडियो में इतना तक रहने दे, मैं चाहता हूँ आगे ना बढ़ूँ।